हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 3.2 के पहले क्वेश्चन की बात कर ली। उसके चार पार्ट थे, वो आपने तीन पार्ट को निकल। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके बताना है कि प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड है या नहीं। प्रथम में यदि दूसरे का गुणनखंड होगा तो शेष पर शून्य आएगा, नहीं वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। इसमें दिया gx इक्वल, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, gx इक्वल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, fx इक्वल दिया है 3x की पावर 4 प्लस 5x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 और प्लस 3 इसमें क्या दिया। अब उसने कहा है कि gx fx का गुणनखंड है या नहीं ये बताना। gx fx का गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल कितना आएगा हमारे पास, शून्य आएगा। fx में gx का भाग देते हैं, 3x की पावर 4 प्लस 5x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखो पहले तो ये वस्तुस्थिति है, पावर 4 3 2 1 फिर अचरपद, और ये भी हमारा वस्तुस्थिति है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या बताया था रफ वर्क, क्या करना है, फर्स्ट यहां से उठाओगे और फर्स्ट यहां से उठाओगे, तो यहां पर क्या दिया इसमें 3x की पावर 4 अपॉन में यहां पर फर्स्ट क्या दिया x की स्क्वायर, पावर ऊपर जाती है क्या आपके माइनस, तो 3x की पावर 4 माइनस 2 तो कितना आ गया 3x की स्क्वायर। इसका से इसका गुणा किससे होगा, 3x की स्क्वायर से। 3x स्क्वायर का इस पूरे के साथ गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर * x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x स्क्वायर * x स्क्वायर, x की पावर 2 तो ये कितनी होगी 4, तो 3x की पावर 4 प्लस 3 इंटू 3 9 x स्क्वायर x पावर 2 और 1 ये कितनी होगी 3, फिर प्लस 3x स्क्वायर का गुणा 1 के साथ तो कितना आ गया 3x की स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ गया 3x की पावर 4 प्लस 9x की क्यूब फिर प्लस 3x की स्क्वायर। अब यहां पर ये प्लस का है तो इसका होगा माइनस, ये 9x क्यूब प्लस का है तो इसका होगा माइनस, और ये भी किसका आ जाएगा माइनस, प्लस के 3x की पावर 4 माइनस के 3x की पावर 4 तो ये यहां पर कैंसिल, प्लस के 5x क्यूब माइनस के 9x क्यूब, 9x क्यूब में से 5x क्यूब घटाएंगे 4x क्यूब किसके रहेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, तो यहां पर आ गया माइनस 4x की क्यूब, फिर यहां पर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 माइनस के 10x की स्क्वायर, तो यहां पर कितने आ गए माइनस 10x की स्क्वायर। ऊपर से काटते हैं प्लस के 2x, प्लस के 2x। अब वापस ये नंबर देखते हैं किसका गुणा होगा, सबसे पहले पहली संख्या यहां से उठाएंगे माइनस 4x की क्यूब अपॉन में यहां से पहली संख्या उठाएंगे x की स्क्वायर, पावर 2 है ऊपर जाकर क्या होगी माइनस, तो माइनस 4x की पावर 3 माइनस 2 तो माइनस 4x की पावर 1, यहां क्या बन सकते हैं माइनस 4x, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका पूरे का परजेक्ट का माइनस 4x, तो माइनस 4x इनटू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, तो माइनस 4x इनटू x स्क्वायर, तो माइनस 4x की क्यूब माइनस 4x प्लस 3x, तो माइनस प्लस माइनस 4 इनटू 3 बार x इनटू x, x की स्क्वायर माइनस 4x इनटू प्लस 6 तो माइनस के 4x, तो क्या आ गया यहां पर माइनस 4x की क्यूब माइनस 12x की स्क्वायर माइनस 4x।
ये माइनस के चार एक्स क्यूब है, किसके हो गए प्लस के, ये भी माइनस का है तो प्लस, और ये भी माइनस के चार एक्स है तो प्लस के चार एक्स, माइनस चार एक्स क्यूब प्लस चार एक्स क्यूब कैंसल, फिर यहां पर माइनस के दस एक्स स्क्वायर प्लस के बारह एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, बारह एक्स स्क्वायर में से दस एक्स स्क्वायर नहीं तो दो एक्स स्क्वायर प्लस के रहेंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो दो एक्स स्क्वायर प्लस के दो एक्स प्लस के चार एक्स, तो दो एक्स प्लस चार एक्स कितने आ गए प्लस के छह एक्स, फिर ऊपर से क्या करेंगे प्लस के दो। अब यहां पर पहले संख्या क्या है, दो एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर अपॉन में यहां पर पहली संख्या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, तो किससे गुणा होगा इसका दो से, तो दो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, दो इंटू एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर, दो इंटू तीन एक्स छह एक्स, दो इंटू एक टू, तो दो एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स प्लस दो, ये प्लस का है माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसल, प्लस छह एक्स माइनस छह एक्स कैंसल, प्लस दो माइनस दो कैंसल, तो शेषफल कितना आ गया यहां पर शून्य जीरो। तो क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक हमारे पास कितना था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इंटू भागफल तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस दो प्लस में शेषफल शून्य हो गया। क्या लिखोगे, क्योंकि यहां शेषफल शून्य है अतः जी एक्स एफ एक्स का एक गुणनखंड है, अगर इसका भाग देने पर इसमें भाग देने पर एफ एक्स में जी एक्स का शेषफल शून्य ना आए यहां पर कुछ भी संख्या बचे तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट करो। तीसरा क्वेश्चन, निम्न बहुपद के शून्य का आपको दे रखी है और उसके आपने अन्य शून्य को ज्ञात करना, दो शून्य के इसमें दे रखे हैं फर्स्ट में तीसरे के फर्स्ट में और अन्य शून्य का आपने ज्ञात करना, तीसरे का फर्स्ट एफ एक्स इक्वल दो एक्स की पावर चार माइनस तीन एक्स की क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स माइनस प्लस छह एक्स माइनस, और इसके शून्य दिए उसने रूट दो और माइनस रूट, ये दो शून्य हमें दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले एफ एक्स के ये दो शून्य हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि बहुपद एफ एक्स के दो शून्य पर इसके शून्य ज्यादा ज्यादा कितने नहीं हो सकते, पावर चार है तो अधिकतम चार शून्य नहीं हो सकते, दो शून्य तो है हमारे पास, दो शून्य को और क्या एफ एक्स के दो शून्य को रूट दो और माइनस रूट दो है, रूट दो और माइनस रूट दो है, ये दो शून्य, तो इसका अर्थ ये रूट दो कैसे आया होगा, जब एक्स माइनस रूट दो इक्वल होगा जीरो के, x माइनस रूट दो इक्वल होगा जीरो के तभी ये शून्य का आया होगा, x माइनस रूट दो इंटू x माइनस माइनस रूट दो ये लिखेंगे, तो क्या हो गया यहां से x माइनस रूट दो और यहां पर आ गया x प्लस रूट दो माइनस इंटू माइनस प्लस, x माइनस रूट दो को इक्वल रखें जीरो के तो x इक्वल प्लस रूट दो आएगा, x प्लस रूट दो इक्वल रखते हैं जीरो के तो x इक्वल क्या आ जाएगा माइनस रूट, तो इक्वल a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस b। अब बहुपद यहां पर शून्यकों से हमने ये बहुपद बना लिए, अब शून्यकों से जो बहुपद बनाया अगर ये इसके शून्य का इसका अर्थ है ये x स्क्वायर माइनस दो एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा, x स्क्वायर माइनस दो
एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस दो एफ एक्स का एक क्या होगा गुणनखंड होगा, क्योंकि इसके शून्य का इसमें बांट देंगे तो शेष पर कितना आ जाएगा जीरो। यहां से ये हमने एक बहुपद ज्ञात कर लिया, इस बहुपद का इसमें बांट देंगे, ठीक है, और द्विघात समीकरण में बदल देंगे क्वेश्चन। तो देखो यहां पर बहुपद एफ एक्स को, बहुपद एफ एक्स को एक्स के माइनस दो से बांट देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस दो इस एफ एक्स का एक क्या है गुणनखंड है, क्यों है क्योंकि ये इसके शून्य पर से बनाया ये बहुपद हमने। तो देखो यहां पर दो एक्स की पावर चार माइनस तीन एक्स की क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स माइनस किससे बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वही प्रोसीजर, पहली संख्या दो एक्स की पावर चार है यहाँ एक्स स्क्वायर, सीधा ही करते हैं क्वेश्चन रफ्तार के बिना। देखो x की पावर दो है चार बनानी है तो एक तो x स्क्वायर से गुणा हो, दो नहीं है इसके बाद तो दो से ही गुणा हो, दो x स्क्वायर का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो दो x की पावर चार, फिर यहां पर दो x स्क्वायर का गुणा माइनस दो से करेंगे, माइनस प्लस माइनस दो इंटू दो x स्क्वायर तो कितना हो गया यहां पर चार x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली संख्या x स्क्वायर वाली संख्या के नीचे लिखो, ठीक है। तो अब यहां पर ये किसका होगा माइनस ये प्लस का, ये यहां पर क्या हो गया इसमें कैंसिल, ऊपर से क्या आता है माइनस तीन एक्स की माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स स्क्वायर, माइनस तीन प्लस चार प्लस का एक रह गया प्लस का एक एक्स स्क्वायर, ऊपर से क्या आते हैं प्लस भी छह एक्स। अब यहां पर एक्स स्क्वायर है यहां पर एक्स क्यूब बनानी है तो एक तो x से गुणा होगा हमारा पावर तीन और एक x की क्यूब है, एक यहां पर इसके साथ माइनस तीन भी है तो किससे गुणा होगा माइनस तीन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं माइनस तीन एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, दो पावर तो इसकी कैंसिल होगी एक ही पावर रहेगी माइनस तीन एक्स से इसका गुणा करना, तो माइनस तीन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस तीन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस तीन एक्स की क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस तीन इंटू दो छह एक्स तो कितना आ गया माइनस तीन एक्स की क्यूब। अब ये एक्स वाली संख्या के नीचे लिखेंगे प्लस के छह एक्स, ये हो गया प्लस ये माइनस, ऊपर से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये कैंसल, ऊपर से क्या बता लेते हैं माइनस के यहां पर भी एक्स स्क्वायर है यहां भी एक्स स्क्वायर है तो किससे गुणा होगा इसका प्लस एक से, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना आ गया एक, किससे मल्टीप्लाई होगा इसका एक से, प्लस एक से मल्टीप्लाई करेंगे ये सही भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दो, ये माइनस का और ये प्लस ये भी कैंसिल कितना आ गया शून्य। अब यहां से हमने इसको दो भागों में बांट लिया, fx इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से fx इक्वल एक तो गुणनखंड x स्क्वायर माइनस दो, दूसरा गुणनखंड आ गया यहां से दो x स्क्वायर माइनस तीन x प्लस एक बढ़ के यहां पर चार का पहला इसमें द्विघात में बदल गया अपने आप। अब देखो यहां पर इसमें तो x स्क्वायर माइनस दो इसको सोल्व करें गुणा करने पर दो आए, जोड़ने या घटाने पर माइनस के तीन, दो एकम दो दो और एक तीन में होगी तीन, तो दो x स्क्वायर माइनस दो x माइनस x और प्लस का एक तो माइनस दो x माइनस के तीन x गुणा करने पर प्लस के दो x स्क्वायर बन रहे, x स्क्वायर माइनस दो इनटू यहां से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ गया ब्रैकेट में क्या रहेगा x माइनस एक फिर माइनस इतने में से एक कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में x माइनस एक x स्क्वायर माइनस दो यहां पूरे में से कॉमन आ गया x माइनस एक ब्रैकेट में रह गया 2x माइनस एक
अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो बहुपद एफ एक्स के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद एफ एक्स के शून्य ज्ञात करने के लिए एफ एक्स इक्वल होगा जीरो। एफ एक्स किसके इक्वल होगा? जीरो। तो इस पूरे को किसके इक्वल रखते हैं? जीरो के। एक्स स्क्वायर माइनस दो इंटू एक्स माइनस एक इंटू दो एक्स माइनस एक इक्वल में जीरो। अलग अलग करके जीरो के बराबर रखते हैं। जब एक्स स्क्वायर माइनस दो इक्वल है जीरो के, तो एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस का दो, एक्स इक्वल क्या आएगा? प्लस माइनस रूट दो। पावर यहां पर सम थी तो क्या आएगा? प्लस माइनस। जब x माइनस एक इक्वल है जीरो के, तो x इक्वल क्या आएगा? प्लस एक। जब 2x माइनस एक इक्वल है जीरो के, तो 2x इक्वल प्लस का एक, तो x इक्वल क्या आएगा? एक बटे। तो इसके शून्य क्या हो गए? प्लस रूट दो माइनस रूट दो, ये तो दो उसने दिए थे हमें, और क्या हो गए? प्लस एक और एक बटे दो। तो ये इसके क्या हो गए? इस बहुपद के शून्य। अन्य दो शून्य कब? ये तो सारे शून्य कहते हैं बहुपद के शून्य को। अन्य दो शून्य को कौन कौन से रहेंगे? अन्य दो शून्य एक और एक बटे दो है, एक कोमा एक बटे दो है, अन्य दो शून्य। बाकी इसका जो भी सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप खुद करोगे। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट होता है तो आप पर्सनली मैसेज करके वो डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी जो भी इसके क्वेश्चन रहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर।